उद्यान विभाग बिलासपुर द्वारा घुमारवीं उपमंडल के तहत उपतहसील भराड़ी के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के प्रांगण में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शिविर में मुख्य रूप से कॉफी विपणन और शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर चर्चा हुई। शिविर में विशेष रूप से उपस्थित मोटिवेशनल स्पीकर अरुण भारद्वाज द्वारा कॉफी की खेती को लेकर बताया गया। इस दौरान मौजूद गांव भ्योली के बुजुर्ग बागवान गंभरू राम ने अपनी जमीन पर उगाई कॉफी की कहानी बताई, साथ ही उस कॉफी को पीकर वे काफी खुश हुए। घुमारवी में कॉफी को लॉन्च किया गया, साथ ही उनके द्वारा उगाई गई कॉफी को सभी किसानों बागवानों व अधिकारियों को पिलाया गया। विधायक राजेश धर्माणी ने बताया, 2 महीने पहले गंभरू राम व जीत राम से कॉफी के बीज खरीद कर उनको उस बीज से तैयार कॉफी बनाकर पिलाने का वादा किया था। आज उसे अरुण भारद्वाज व चिकमंगलूर से डॉक्टर स्वेन के सहयोग से पूरा किया गया व हिमालयन कॉफी सभी आए किसान बागवानों को पिलाई गयी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत ही सभी सभी हां जी हां जी ये क्या हो पहले ज्यादा प्यार नहीं होना। हेलो हेलो चलिए जी, ये जय जनमत समझे भी भाई, इतने बड़े अफसर इतने बड़े ये होना हां इतनी इज्जत मिलनी। ये मैं बाड़ारे काट गांव मेरा ते मैंने कॉफी लगाई हुई थी और कॉफी दे मतलब 2 महीने पहले मेरे लिए ये अरुण जी आए थे और तीन दस्या भाई मैं पेड़ा कट्ट रहा पहले इन्हें कट्टने ना दी, इन्हें बोले भाई अं आई नहीं देखे और इन्हें जिम्मेवारियाँ मारी और उन्होंने कॉफी हमारे से ली और इन्हें हाँ निर्माणी भी हमारे पास आए हुए थे और इन्होंने कहा था कि हम आपको इस कॉफ़ी के बीन का आपको चाय हम यहाँ आके कॉफ़ी पिलाएंगे और आज ये हमारा जो इनका कहना था वो साकार हुआ। आज घुमारवी क्षेत्र के भराड़ी में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिमाचली कॉफी जो है वो लॉन्च की गई। 2 महीने पहले हमारे इस क्षेत्र के एक किसान जिन्होंने कॉफी उगाई थी, श्री गंभरू राम जी और श्री जीत राम जी, ऐसे अन्य किसानों से एक वायदा किया गया था कि जो कॉफ़ी बीन्स आपने तैयार किए हैं 2 महीने के अंदर आपको उसको प्रोसेस करके उसका कॉफ़ी पाउडर बना के उसकी आपको फाइनली एक कॉफ़ी कप जो है वो पिलाया जाएगा। तो हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि उनसे जो कॉफ़ी बीन्स थे उनको खरीदा गया और डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी और मिस्टर स्वेन जो चिकमंगलूर के रहने वाले हैं उनके सहयोग से ये कॉफ़ी बीन जो हैं वो प्रोसेस किए गए और उसका कॉफ़ी पाउडर उन्होंने वापस हमें यहाँ पे भेजा और उसको जो है आज बनाकर कॉफ़ी जो है फाइनली तैयार करके उनको कॉफ़ी पिलाई गई। इस पर उन्होंने बहुत अपने श्री गंभरू राम जी ने खास करके वो बुजुर्ग किसान हैं, लगभग 86 साल उनकी उम्र है और उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की, उनको खुश देखते हुए हम सबको खुशी हुई।